शुक्रवार को इंदौर में भारतीय यादव महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सचिन यादव ने शिरकत की। भारतीय यादव महासभा की इंदौर युवा इकाई के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री सचिन यादव सहित कई अन्य हस्तियां भी शामिल थी। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गुलशन यादव थे, वहीं कांग्रेस नेता दीपू यादव सहित समाज के कई अन्य हस्तियां शामिल थी। सर्वप्रथम मंत्री सचिन यादव के आगमन के दौरान स्वागत सत्कार की बेला चली, जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने मंत्री सचिन यादव का भव्य स्वागत किया। इसके बाद समाज के वरिष्ठों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री सचिन यादव सहित अन्य समाज बंधुओं ने यादव समाज के एक युवा द्वारा निर्माण की गई फिल्म का भी विमोचन किया। ये फिल्म सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान घटित घटना की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें यादव समाज के युवा भारतीय सेना में शामिल होकर मातृभूमि पर न्योछावर हो गए थे। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री सचिन यादव ने फिल्म के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, निश्चित रूप से समाज के वो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर भारत माता के लिए अपनी प्राणों को त्यागने का काम किया, और उनकी जो वीर गाथा है, उस वीर गाथा को, उस इतिहास को जो है आज सभी समाज बंधुओं के सामने जो है एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से उस इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है हमारे यहाँ के जो आयोजक साथी हैं उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को भी समाज के इतिहास के बारे में और ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए जो है अपनी ऐसे सामाजिक लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी जान देने का काम किया है, ऐसे लोगों को वीर गाथा को जो है जन जन लोगों तक समाज जन 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 तक पहुंचाने का काम जो है। प्याज की बढ़ती मांग और भाजपा द्वारा किए जा रहे प्रचार के मामले में सचिन यादव का कहना था कि प्याज की इतनी किल्लत नहीं है, लेकिन विरोधी गुट भाजपा दुष्प्रचार कर रहा है। समाज का सभी लोगों का बहुत पुराना गौरवशाली इतिहास है। 1857 में राव तुलाराम जी ने बहुत बड़ा भीषण लगभग 3 साल तक संघर्ष किया, बहुत कम रजवाड़ा इतना लंबा समय तक संघर्ष कर पाए, और तब से लगाकर आज तक ऐसी सेना में कई सारी यूनिट में समाज बंधु ने अपने अपने मोर्चे पे बड़ा भारी योगदान दिया है। और ये रजांगला 1962 के घटनाक्रम को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो हम सबके लिए गौरवशाली है। सभी समाजों के ऐसे अलग अलग योगदान से देश सुरक्षित रहता है। मुझे गर्व है कि ये ऐसा अच्छा आयोजन हुआ। उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हम प्रेरणा लेंगे और जो अहिर रेजिमेंट की, यादव रेजिमेंट की जो मांग आ रही है वो वाकई में सही है। इससे समाज भी उपकृत होता और नया हमारा कदम बढ़ता, जिसके माध्यम से देशभक्ति का एक नया संकल्प मन में सब पैदा करता। और इसका उद्देश्य यादव अहिरों के जो बलिदान है देश के लिए, उसको यादव समाज के जानकारी में लाना, यादव समाज के पूरे देश के लिए आज़ादी से लेके और उसके बाद तक के बहुत बलिदान हैं, और उन बलिदानों का इतिहास में कहीं बहुत षड्यंत्रपूर्वक उसको दबा दिया जाता है। हम ये पिक्चर के माध्यम से हम इस विषय में जागरूकता ला रहे हैं, और हमारे युवा इन चीज़ों को देखकर गौरवान्वित होते हैं कि यादव समाज हमारा कितना बलिदानी समाज है। धन्यवाद। ये भारतीय यादव महासभा की मध्य प्रदेश की युवा इकाई के बैनर पर कार्यक्रम हुआ है, और इसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री सचिन यादव जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया। वहीं उन्होंने हैदराबाद में हुई घटना के मामले में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि घटना की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है, लिहाजा वे इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक गुलशन यादव व अन्य पदाधिकारियों ने भी इस आयोजन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।